चाहे पॉलिटिकल फ्रंट हो या इकोनॉमिक एरिना, इंडिया हर जगह अपनी प्रेजेंस कायम कर रहा है। इंडिया दुनिया के लिए एक ब्राइट स्पॉट बन चुका है। इंडियन स्टार सबसे बड़े ब्रांड्स को एंडोर्स कर रहे हैं। रिसेंटली गुच्ची ने आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इससे पहले लुई विटों की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण थी। वहीं कुछ समय पहले अमेरिकन जॉइंट एस्टी लॉडर ने मानुषी चिल्लर को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस किया था। ये इस बात का साइन है कि दुनिया के बड़े ब्रांड्स इंडिया को नेक्स्ट ग्लोबल मार्केट के तौर पर देख रहे हैं। इसकी वजह क्या है? दुनिया के लक्जरी ब्रांड्स को इंडियन मार्केट में क्यों इंटरेस्ट है? इसके बारे में समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। ग्लोबल फैशन प्लेयर्स की भारत पर लंबे समय से नजर है। 2002 में भारत में लक्जरी ब्रांड लुई विटों की एंट्री होती है, जो आज के वक्त में दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला ब्रांड बन चुका है। इसके बाद कई फैशन ब्रांड्स की इंडिया में एंट्री हुई। कंपनीज ने अपने मोनो ब्रांड स्टोर सेटअप किए। हालांकि मार्केट धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, कई ब्रांड्स ने डिमांड की कमी की वजह से स्टोर्स बंद किए, लेकिन फिर भारत में कंजम्पशन की तस्वीर बदली। इसमें अहम फैक्टर था इंडियन वेडिंग मार्केट। ज्यादातर लग्जरी ब्रांड्स इंडिया के वेडिंग मार्केट के पोटेंशियल से अट्रैक्ट हुए। 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन वेडिंग मार्केट की वैल्यू $50 बिलियन थी। यूएस के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और तेजी से बढ़ रहा है। भारत में शादियों में होने वाला खर्च दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक हाई नेटवर्थ की व्यक्ति की शादी का खर्च 10 लाख से शुरू होता है। इंडिया में एक हाई नेटवर्थ की व्यक्ति की शादी की आउटफिट के लिए 5 लाख से 10 लाख के बीच खर्च होता है, जिसमें कई लग्जरी ब्रांड्स को फायदा होता है। इंडिया का लग्जरी मार्केट 2024 में 5.7 से 5.8 ट्रिलियन के बीच पहुंच सकता है। दुनिया के सबसे पॉपुलर फैशन मैगजीन्स में से एक वोग ने भी अपनी मैगजीन में फरवरी 2023 में लिखा था, दिस इज लग्जरीज कमिंग ऑफ एज मोमेंट इन इंडिया। इसमें सबसे बड़ा रोल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का है। पैंडमिक के वक्त में ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ी है। व्हाट्सएप के थ्रू सेल करना एक पॉपुलर ऑप्शन बन चुका है। सोशल मीडिया में नए ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स को डिस्कवर करने के लिए इंस्टाग्राम सबसे पावरफुल टूल बन चुका है। ऑनलाइन शॉपर्स में सबसे बड़ा हिस्सा जेंजी है। 39% जेंजी रेगुलरली ऑनलाइन शॉप करते हैं। लग्जरी ब्रांड्स के मार्केट के एक्सपेंशन में एक अहम फैक्टर इंडियंस की इंक्रीजिंग वेल्थ भी है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक के मुताबिक 2020 और 2021 के बीच 246 करोड़ की नेट एसेट्स के इंडियंस 11% बढ़े हैं और 5 सालों में इनके 39% और ग्रो करने का अनुमान है। यही सब फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंडिया दुनिया के बड़े ब्रांड्स और इन्वेस्टर्स को अपने ह्यूज पोटेंशियल से अट्रैक्ट कर पा रहा है।